Hi everyone, welcome to Takshila classes. We are going to discuss the CDS previous year questions on agriculture from the topic of geography. A very important topic of your CDS paper. Every year UPSC asks you the question from this topic of agriculture. So let's now understand, bahut hi important topic hai. Agriculture se hamesha minimum 2 se 3 question UPSC poochta aapke CDS ke papers mein. So in a nutshell, there are 4 to 5 topics which you need to take into consideration in agriculture. Ek to hota types of agriculture, jisme hum zooming, intensive farming, extensive farming, counter farming, ye sari farmings ke different types hain jo hamari NCERT mein de rakhe, wo yaad rakhne. Kuch terminologies hain, cropping intensity, cropping output, wo sare topics aapko yaad rakhna hai. Uske baad hame irrigation, types of irrigation, types of crops, kya kya necessities hain, kaise kaise chahiye crops ke bare. इस तरह के टॉपिक्स हैं जो एग्रीकल्चर में हमें देखने हैं. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस नॉर्मली यूपीएससी पूछता है आपके एग्रीकल्चर टॉपिक में. ये एग्रीकल्चर टॉपिक नॉट ओनली ज्योग्राफी में है, ये आपका टॉपिक इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है. सो एग्रीकल्चर बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ जीडीपी की बात की जाती. पहला क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2018-1 में आया हुआ. व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? Growing of several crops in a planned way, growing rabi as well as kharif crops, growing several crops and also rearing animals. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मिक्स्ड फार्मिंग याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, जब आप क्रॉप्स के साथ पशु पालना भी करते हैं, दैट इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग इज बेसिकली द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर मिक्स्ड फार्मिंग. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज मिलेट्स? वीट, राइस, सॉर्गम और मेज. आंसर इज सॉर्गम, जिसको आप मिलेट कहते हैं. मिलेट आर सूखे क्रॉप, सॉर्गम, रागी, ये सभी को हम क्या कहते हैं, मिलेट्स. नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन? एक तो पहले जूट के बारे याद रखिएगा, जो कि जिसको हम कहते हैं गोल्डन फाइबर. जो जूट जो है हमारा वेस्ट बंगाल आसाम की तरफ लगता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और हुगली बेसिन में लगता है क्योंकि हुगली जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, उसके आसपास कोलकाता जहाँ पर ये लगता है. सो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं? नियरनेस टू द कोल फील्ड्स, दे भी ठीक है. कन्वीनियंट ड्राई क्लाइमेट, मेरे भाई ड्राई क्लाइमेट तो है ही नहीं यहाँ पर, इसको चाहिए ह्यूमिडिटी खूब सारी चाहिए जूट को. तो बी ऑप्शन, टू ऑप्शन बिल्कुल गलत है. ओनली इज वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कोल फील्ड्स उधर होनी चाहिए तभी तो इंडस्ट्री चलेगी. नेक्स्ट है जी, लीचिंग इज मैक्सिमम विच टाइप ऑफ सॉइल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से है सॉइल से आपके. बेसिकली लीचिंग होता क्या है, जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़े और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, तो जो सिलिका है, सिलिका मतलब रेता, वो नीचे चला जाएगा सॉइल के, इसको कहते हैं लीचिंग. जब पानी नीचे लेके जाए किसको, सिलिका को, और फेरस और अल्मीनियम ऊपर ले आए, इसको कहा जाता है लेटराइट सॉइल. याद रखें, लेटराइट सॉइल ये फॉर्मेशन का कारण लीचिंग है, जिसके कारण हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स की तरफ लीचिंग से लेटराइट सॉइल बनती है. वेस्टर्न घाट्स जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, सेम वे असम की तरफ, इधर कुछ स्टेट्स में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में, इस तरफ भी आपको क्या मिलेगी, लेटराइट सॉइल. तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन. और वैसे लेटराइट में से लेटर वर्ड का मतलब होता है ईंट. सो नॉर्मली इट्स अ हाईली अनफर्टाइल सॉइल, फेवरेबल फॉर कैश्यू नट्स और कॉफी कल्टीवेशन के काम आती है हमारी लेटराइट सॉइल. नेक्स्ट चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज वेरी मच अफेक्टेड बाई वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स इन चाइना, इंडिया, US एंड इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बी सस्टेनेबल इन दिस रिस्पेक्ट. ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स हो गया. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज वेरी मच अफेक्टेड बाई वॉट इंडस्ट्री ऑफ फ्लड्स. सो प्रोविजन फॉर एक्सटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटीज, अवॉइडेंस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज फॉर एग्रीकल्चर, एम्फेसिस ऑन सिलेक्शन क्रॉप्स बेस्ट सूटेड टू फ्लड एंड ड्रॉट कंडीशन. दोस्त डी ऑप्शन होना चाहिए. हमें सरकार को क्या करना चाहिए इसके रिलेटेड, टू ओवरकम दिस फ्लड प्रॉब्लम एंड दीज प्रॉब्लम्स इन द कंट्री. क्लियर है जी. नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
मोनोकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड इमीडिएट कैश टू द फार्मर्स, मतलब कैश क्रॉप्स जिसको आप कहते हैं। रबर बिल्कुल कैश क्रॉप है, कॉफ़ी भी कैश क्रॉप है और शुगर केन भी कैश क्रॉप है। तो इनमें से इमीडिएट जो है आपको कैश और मोनोक्रॉप होना चाहिए ये, क्योंकि यही लंबे टाइम तक लगे रहते हैं। तो कौन सा होगा कैश टू द फार्मर्स दिलवाएगा? मेरे हिसाब से टी और कॉफ़ी है जो कि आपको इमीडिएट कैश क्रॉप देंगे, क्योंकि आपको काट के उनको देना है। अदरवाइज ऑल दीज आर कैश क्रॉप्स, बेसिकली बेवरेजेस हैं कॉफ़ी टी, रबर और शुगर केन भी बिल्कुल कैश क्रॉप्स हैं जी। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, व्हाई साउथ ईस्ट एशिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीज एंड पॉपुलेशन एट द ग्लोबल स्केल? द एरियाज डोमिनेटेड बाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ड्यू टू फेवरेबल टेरेन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन दिस रीजन, हैज फेवरेबल। तो आंसर क्या होना चाहिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है यहाँ पे, इज क्लियर फॉर कल्टिवेशन, द रीजन हैज फेवरेबल एंड हेल्थियर क्लाइमेट। ऐसा कुछ नहीं है जी, साउथ ईस्ट एशिया का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के होने के कारण वहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो कि सिर्फ अपने गुजारे आगे हो और जो लैंड होल्डिंग है बहुत छोटी हो। नेक्स्ट आइए, व्हाट मेन एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया इज? हिल स्लोप मैनेजमेंट, प्रमोटिंग सिल्वीकल्चर, नो, एरिड लैंड मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन। तो मेरे भाई इसका आंसर होना चाहिए वाटरशेड मैनेजमेंट का, एरिड लैंड मैनेजमेंट का। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, टैंक इरीगेशन इज प्रैक्टिस मेनली इन पेनिनसुलर इंडिया बिकॉज ऑफ अंडुलेटिंग रिलीफ, हार्ड रॉक्स मेक इट डिफिकल्ट टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स। ये बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा, रिवर्स आर रेन फेड, ये भी ठीक है। ऑन कम्पैक्ट नेचर ऑफ द पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स, वन एंड टू ही श्योर शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। नेक्स्ट आइए, टैंक इरीगेशन को समझ भी लीजिए। साउथ में मेरे भाई ना तो आपको नीचे से ग्राउंड वाटर मिलता है, बिकॉज द रॉक स्ट्रक्चर इज टू हार्ड, नो ग्राउंड वाटर इज देयर। सो नेचुरली यहाँ पर क्या होगा, आपको पानी कहाँ से, टैंक बनाना पड़ेगा, तालाब जिसमें पानी स्टोर करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे, दैट कैन बी यूज, राइट? सो दिस इज द रीजन दैट इट इज मेनली प्रैक्टिस इन दिस वन। कम्पैक्ट नेचर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फील्ड्स, आंसर तो थ्री भी होना चाहिए यहाँ पर, आपको याद रखिएगा वन एंड टू श्योर शॉट है। फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद सॉइल वाइल फार्मिंग देयर फील्ड्स बिकॉज ऑफ टू डिक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, या लाइम डिक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। ये याद रखिएगा जी, हमारे पंजाब और हरियाणा में सॉइल इज टर्निंग सलाइन, सलाइन मीन्स एल्कलाइन बन रही है सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें फेरस और सॉरी इसमें हम वी आर एक्सेसिव यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड एक्सेसिव इरीगेशन फैसिलिटीज हैज़ लेड टू टर्निंग सॉइल सलाइन, और उसका टू ओवरकम दैट वी आर यूजिंग व्हाट दिस लाइन, और इससे क्या होगा, इससे बेसिसिटी सॉइल की कम होगी, क्योंकि ये और सॉइल को एल्कलाइन बनाता है नमक, और नमक सॉइल सलाइन सॉइल करता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिमालयस पे रादर, करेवाज ऑफ कश्मीर रेफर टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट? आप अगर इंडियन फिजियोग्राफी की ज्योग्राफी की कॉपी एनसीईआरटी देखेंगे तो करेवाज बेसिकली कश्मीर में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है सेफ्रन की खेती, और ये करेवाज होते क्या, ये बेसिकली लैकोस्टाइन डिपॉजिट्स ऑफ जेलम रिवर। तो आंसर क्या होना चाहिए था, सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन बार यूपीएससी ने पूछ रखा है, और ये करेवा कल को पूछे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेजरली दिस इज इशीपोर पेम्पोर रीजन है हमारे जेएनके में, जहाँ पर खेती की जाती है सेफ्रन की, ज़ाफरन उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, ये रेड कलर इन द सॉइल इज ड्यू टू व्हाट, और यंग इज कॉज बाय व्हाट? बहुत ही सिंपल है, आयरन कंपाउंड्स। ये 2013 दो में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ अपने गुजारे जोगे,
कमर्शियल नॉट एट ऑल, ये तो बहुत लार्ज प्रोडक्शन होगी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग इज ऑल्सो नॉट सब्सिस्टेंस, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग नो, आंसर इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको आप सब्सिस्टेंस कहोगे, सिर्फ अपने गुजारे के लिए एग्रीकल्चर होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, जिसको आप झूमिंग कहते हैं या स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर सूटेबल फॉर एग्री सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन्स? नंबर वन टेरेसिंग एंड कॉन्टूअर बाउंडिंग, दैट इज़ वेरी ट्रू। शिफ्टिंग कल्टिवेशन नॉट एट ऑल, क्योंकि इससे तो फर्दर डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सॉइल लूज हो जाएगा, तो सॉइल कंजर्वेशन ही होगी। कॉन्टूअर प्लोइंग बिल्कुल ठीक है जी। सो वन एंड थ्री ही आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका, फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन्स। कंटूअर प्लोइंग क्या होता है, वी नॉर्मली यूज इट बिकॉज अगर आप स्टेप फार्मिंग करेंगे, सो पानी अगर आ रहा तो इट वॉन्ट बी फ्लोइंग वेरी हाई स्पीड, सो इट विल नॉट यू कैन से इरोड द सॉइल, दैट इज़ बेसिकली द स्टेप फार्मिंग और टेरिस फार्मिंग। कंटूअर फार्मिंग होता है ये पहाड़ के आस पास कंटूअर्स बनते हैं। सो वन एंड थ्री इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग, टू कंजर्व द सॉइल इन दिस एरियाज। नेक्स्ट चाहिए झूम कल्टिवेशन के बारे स्टेटमेंट्स कौन कौन सी सही हैं, और ये 2014-02 में CDS में क्वेश्चन पूछा गया UPSC द्वारा। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही है जी। इट इज़ रेफर टू अ स्लैश एंड बर्न टेक्निक, ये भी सही है। इन इट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर्स, बिल्कुल सही है जी। 1, 2 and 3 शुड हैव बीन द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे। नॉर्मली ये ट्राइबल एरियाज में होता है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर आर करेक्ट? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया, क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय सीरियल क्रॉप्स, द एवरेज साइज ऑफ इज टू स्मॉल फॉर सेवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। सो दोस्त यहाँ पर 2 and 3 तो बिल्कुल ही ठीक है। द क्रॉप्ड एरिया इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं हो सकता, तो आंसर 2 and 3 ही बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आइए टैंक इरिगेशन, फिर से टैंक इरिगेशन पे कुछ घुमा के फिर से पूछा है। मेनली फाउंड इन साउथ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन? इनसफिशिएंट शैलो वाटर, ग्राउंड वाटर, दैट इज ट्रू। रॉकी प्लेट्यू विद इम्परवियस सरफेस डिप्रेशन, ये भी ठीक है जी। अंडुलेटिंग टेरेन हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ रेन वाटर इन डिप्रेशन और मैन मेड टैंक्स, टेरेन अनडुलेटिंग तो नहीं है जी, तो आंसर 1 and 2 होना चाहिए अगर ऑप्शन में है, लेकिन नहीं है तो हम 1, 2 and 3 के लिए जाएंगे इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन टैंक इरिगेशन पे पूछा गया, और याद रखिएगा टैंक इरिगेशन हिमाचल में भी होता है। बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ स्टोरिंग द वाटर देन यूजिंग इट फॉर एग्रीकल्चर, एंड साउथ इंडिया दे डू इट वेरी हाईली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सॉइल्स के ऊपर पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटरेट सॉइल ऑफ इंडिया इज करेक्ट? लिटरेट सॉइल्स आर जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल ठीक है जी। फेरस और एल्यूमिनियम होते हैं इसमें, तो रेड इन कलर ही होते हैं। रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, बिल्कुल नहीं, इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सबसे इनफर्टाइल सॉइल इसी को माना जाता है। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड UP, नॉट एट ऑल। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और वो है वेस्टर्न घाट्स का एरिया। स्पेशली ये कैश्यू नट्स के लिए लगाने के लिए काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी के लिए। ट्रॉपिका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेरी वेल इन दिस सॉइल। सो 1 and 4 अगर ऑप्शन में है तो वो बिल्कुल सही है, और वो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। सो ये कुछ प्रश्न थे जो UPSC ने CDS में पूछे हुए हैं, टॉपिक कौन सा, एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर इसके बाद हम फर्दर, अभी हमारे 18 questions are pending with agriculture, then we will move to the another topic of geography. So I hope you people are understanding the things here. Thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.